नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शारदीय नवरात्रि में हम देखते हैं कि भक्त कई प्रकार से अपना व्रत रखते हैं। कई साधु संत देश और प्रदेश की उन्नति के लिए कई प्रकार से माता रानी की भक्ति करते हैं। तो वही राजधानी के माता मंदिर क्षेत्र में बाबा पुरुषोत्तमानंद महाराज ने 30 सितम्बर को भूमिगत समाधि ले ली थी। 3 दिनों तक बाबा पुरुषोत्तमानंद महाराज समाधि पर रहे। बाबा का कहना है कि आज का युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है, युवकों में जागृति हो और वह अपनी भारतीय पद्धति और सनातन धर्म के प्रति रुचि बढ़े और सभी का कल्याण और सुख शांति के लिए समाधि ली। समाधि प्रांगण में 7 फीट गहरा, 4 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा गड्ढा खुदवाया गया था, जिसमें बाबा पुरुषोत्तमानंद महाराज ने समाधि ली थी। बाबा पुरुषोत्तमानंद महाराज समाधि से बाहर का कहा है कि माता रानी ने मुझे शक्ति प्रदान की थी, जिसके कारण मेरी देश प्रदेश और भक्तों के लिए समाधि सार्थक हुई है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। समाज में मैं अभी जो बोल चुका हूँ वही मेरा संदेश है। मैंने इतनी बातें बोली, अभी मैंने जो कुछ आपको बताया वही मेरा संदेश है। सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, सभी अपने विचारों में भक्ति भाव का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति दुख सुख में समर्पण रहें। और सभी भक्तों से ये भी निवेदन है कि यहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम ऐसा होता है उसमें सम्मिलित होकर भरपूर पुण्य का लाभ लें। पानी आस्था रखें और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें, जिससे उनकी उन्नति हो, भारत की उन्नति हो, पूरे विश्व की उन्नति हो। उसके और आगे जब मैं बढ़ा तो एक सुंदर सा सरोवर दिखाई दिया। वहाँ माताजी ने मुझे आदेश दिया, हे पुत्र, इस सरोवर में तू स्नान कर। वो सरोवर इतना सुंदर सरोवर था, चिड़ियों की चहक, नाना प्रकार के पक्षियों के दर्शन हुए मुझे, जो मैंने कभी दृश्य नहीं देखा वो दृश्य मैंने वहां देखा। वहां जाकर जब मैंने स्नान किया, माता जी को प्रणाम करके जब मैं जल में उतरा, तो उस जल के में उतरते ही मेरे सारे ऐसा लगा मुझे मेरा पूरा शरीर कहीं और है, सिर्फ आत्मा यहाँ मेरी है। एकदम हल्का फुल्का सा हो गया मैं। फिर माता ने मुझे बाहर आने का आदेश दिया। जब मैं बाहर आ गया तो उस जल का प्रभाव ऐसा था, जल में जब तक था तब तक भीगा हुआ था, जल से बाहर आकर ही मैं एकदम सूख गया, जैसे मैं पहले था पुनः वैसे ही हो गया। उस जल का प्रभाव इतना था। बाहर आने के बाद फिर माता जी ने मुझे रथ पर बिठाया और आगे लेके गई। तब माता जी ने कहा, हे पुत्र, ये शिवलोक है। वहां देखा मैंने तो चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य। और ओम आकार की ध्वनि वहां चल रही थी। और आगे बढ़ा, जब माताजी ने बताया ये विष्णुलोक है, विष्णुलोक में भी नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के फल, वे जगत के पालनहार हैं, जगत का पालन करते हैं, उसी प्रकार से उनकी वहां की व्यवस्था थी। और आगे बढ़ा, वह ब्रह्मलोक में प्रवेश किया। ब्रह्मलोक में तपस्या की आवाजें गूंज रही थी, परंतु पूरे ब्रह्मांड में एक ही गुंजायमान हो रहा था, ओम ओम ओम। पूरा ब्रह्मांड जो है सिर्फ ओम आकार में ही बना हुआ है। सारे ब्रह्मांड में ओम की गुंजायमान है। तो आप लोगों से, मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी दुराचारण छोड़कर और प्रभु की ओर आस्था रखें। और माताजी ने यह भी बताया मुझे, जो मेरी पूजा अर्चना करता है वो इन सब की प्राप्ति करता है, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, सभी की प्राप्ति होती है। और जो इन सब की भी प्रार्थना करता है वो मुझे पाता है।
तो सर्व सर्व इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।